नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। हाथरस कांड को लेकर बिटिया के बड़े भाई ने सीबीआई द्वारा की जा रही पूछताछ का खुलासा किया है। उसने बताया कि सीबीआई उससे पूछ रही है कि तुम पर यह भी आरोप लग रहा है कि तुमने अपनी बहन को मारा है। इस पर बिटिया के भाई ने कहा कि क्या कोई अपनी माँ बहन को मारता है? यदि हमें उसे मारना ही होता तो फिर हम उसे घायल अवस्था में थाने क्यों ले जाते? मालूम हो कि बिटिया के मामले में सीबीआई हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन और पूछताछ कर रही है। मंगलवार को भी सीबीआई ने बिटिया के बड़े भाई और मां से काफी देर तक पूछताछ की अपने कैंप कार्यालय बुलाकर। पूछताछ के बाद बाहर आने पर बिटिया के भाई ने बताया कि सीबीआई उनसे पूछ रही है कि तुम पर यह आरोप है कि तुमने अपनी बहन को मारा है। बिटिया के भाई के अनुसार उसने सीबीआई के अधिकारियों से खुद ये पूछा कि क्या कोई अपनी माँ बहन को मारता होगा? यदि हम उसे मारते तो अपने घर पर भी मार सकते थे, हम उसे खेत में क्यों मारते? फिर उसकी बहन ने जिंदा रहते हुए अपने बयान में चार लोगों के नाम लिए हैं जिन्होंने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल हाथरस केस की गुत्थी दिन प्रतिदिन उलझती जा रही है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई इस केस में क्या कुछ अलग निकालती है। फिलहाल इस मामले में चार आरोपी अभी जेल में बंद है। ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।